हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज हम बना रहे हैं बर्थडे केक, बड़ा मज़ेदार सा यम्मी सा फटाफट बनने वाला बर्थडे केक। जिनको बेकिंग नहीं आती और वो केक बनाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली ये वाला केक ट्राई करें। और ये सबसे पहले जो है मैंने इसकी क्रीम ली है। क्रीम मैंने वैसे तो 500 ml का लिया था, लेकिन मैंने अभी उसको सिर्फ हाफ यूज़ किया है। और क्रीम लेकर मैंने इसके अंदर 2 tbsp आइसिंग शुगर ऐड किया। आप लोग कैस्टर शुगर भी, मींस घर में जो नॉर्मल चीनी होती है, वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन मैंने फ्लेवर के लिए इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड किया। इसको मैं बीट करती जा रही हूँ और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है इसको बीट करने का कि आप इसका बाउल, इसके जो विस्क हैं और क्रीम यूज़ करने से पहले 15 मिनट के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख दें। जितना ये चिल होगी ना क्रीम भी बाउल भी, तो उतनी ही अच्छे तरीके से ये आपकी जो है क्रीम बीट होगी। मैंने अपनी किसी पहली वीडियो में भी जो है इसको बीट करने का बताया हुआ है, वहाँ से भी अच्छे तरीके से डिटेल्ड में इसका सारा देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। कलर के लिए रेड कलर ऐड किया था, थोड़ा ऐड किया ताकि उसका हल्का सा पिंकिश सा कलर आ जाए। लिक्विड कलर्स हैं ये, यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं जो खाने वाले फूड कलर्स होते हैं। अच्छा, मैंने ब्रेड ले ली थी। अब जिस ट्रे के ऊपर आप इसको सेट करना चाहते हैं, आप सबसे पहले उसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाएं और उसके बाद जो है मैंने ब्रेड के पीसेस लिए थे। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, वो चॉकलेट कलर का हो जाएगा, और मैंने वाइट ब्रेड ली थी। और इसके साइड्स को मैंने कट कर लिया था क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड पार्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर भूल गई, जो क्लिपिंग मेरे से थोड़ी सी मिस हो गई है, वो ये कि ब्रेड के पीसेस को रखने के बाद जूस के साथ कोई भी जूस, ऑरेंज ले लें, मैंगो ले लें या मिक्स फ्रूट जूस ले लें, उसके साथ इस ब्रेड को थोड़ा सा आप गीला करेंगे, वेट करेंगे, ताकि थोड़ा कोई भी हार्ड पार्ट ना रहे, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी सा इसका टेस्ट आता है। फिर मैंने अब ये तीसरी लेयर इसके ऊपर लगाई है। यहाँ पे मेरे पास इसकी क्लिपिंग पड़ी थी तो मैंने इसको अच्छे तरीके से जूस को, वैसे मैंने मैंगो जूस लिया है, मैंगो जूस को अच्छे तरीके से ब्रश कर लिया है मैंने इसके ऊपर। एंड देन फिर क्रीम की लेयर लगाऊंगी। क्रीम मेरी बड़ी अच्छी स्टिफ हुई है क्योंकि इसको ठंडा रखना है आपने। जैसे ही ये थोड़ा सा भी गर्म होगी, रूम टेम्परेचर पे आएगी, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स इसको जमाना नहीं है आपने, बट इसको अच्छे से चिल करना है यूज़ करने से पहले। अगर वो भी नहीं आप कर सकते तो आप बर्फ़ का बाउल ले लें और इस बाउल को जिसके अंदर आपने क्रीम को व्हिप करना है वो बर्फ के बाउल के ऊपर रख के देन आप इसको विस्क करना स्टार्ट करें तो बड़ी अच्छी आपकी विस्क होगी। और इसको यूज़ करने से पहले आप इसको फ्रिज में रख दें एंड देन आप इसको यूज़ करें। तो इस तरह से 3 layers मैंने ब्रेड की लगाई हैं एंड देन मैंने उसको अच्छे तरीके से कोट किया है पूरा क्रीम के साथ और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब मैं इसका बनाऊँगी ग्लेज। ग्लेज के लिए मैंने वही मैंगो जूस लिया है, 1 cup मैंने मैंगो जूस लिया एंड उसके उसको मैंने गाढ़ा करने के लिए, थिक करने के लिए इसके अंदर मैंने 1 tbsp कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और बड़े अच्छे तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग हो जाती है केक के ऊपर। और इसको मैंने पका लिया है, तकरीबन 5 मिनट लगे थे। इसको अच्छे तरीके से इसको कुक कर लें, जब आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी हार्ड हो गई है देन आप इसको, इसके बाद आपने फ़ौरन इसको यूज़ नहीं करना है, इसको फ्रिज में रखना है। जब ये ठंडी हो जाएगी देन आप इसको किसी भी तरह से क्रीम के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल करे। तो ये बड़ा ही मज़ेदार सा केक, बर्थडे केक, जिनको बेकिंग नहीं आती उन लोगों के लिए, और ये खाने में भी बड़ा अच्छा होता है। आप जूस के साथ अच्छे तरीके से उसको जो है ब्रेड को आप वो सारा टेस्ट जूस का उसके अंदर आएगा। तो मज़ेदार सा मैंने जो है बर्थडे केक रेडी किया था, तो मेरे बच्चों ने भी बड़ा पसंद किया उनकी, बल्कि इस केक को देखते ही जो है ना मेरे बच्चे कह रहे थे कि चलो जी आज किसकी बर्थडे है, आज किसकी बर्थडे है। बट एनीवेज, आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर लें जिस तरह से आपको ठीक लगता है। ये मैंने अपनी तरफ से जो है इस तरह से डेकोरेट किया था जितना भी मुझसे हो सका। तो बड़ा आसान और बड़ा ईजी और फटाफट बनने वाला केक है। आप फॉर ये एज अ डेजर्ट आप इसको ट्राई कर सकते हैं किसी भी पार्टी के ऊपर, तो इवन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रहता है ये, स्कूल बर्थडे स्कूल पार्टीज के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। तो होप सो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।